सतगुरु की साजी नमाजी प्यारी सास संगत जी, प्यार से कहिए धन अंकल जी। जीवन सागर रत्न नामक बुक में से कुछ बातें आप जी के श्री चरणों में रख रही है, स्वीकार करें। मेरे पड़ोस में शांति, मेरी गली में शांति, मेरे शहर में, मेरे देश में, सारे विश्व में शांति चाहिए। शांति का संबंध हर मानव के साथ है, परंतु हर मानव के हृदय में शांति जीवन को चलाने वाली है। मनुष्य के पास हर सुख साधन, नौकर चाकर, धन दौलत है, मगर शांति की कमी है। ना नींद है, ना चैन है, कोई वस्तु अच्छी नहीं लगती। शादी में गए हो, खुशी के बैंड बाजे बज रहे हो, अच्छे अच्छे पदार्थ सामने हो, परंतु मनुष्य के मन में शांति ना हो तो कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। इसी पे एक उदाहरण आता है कि एक आदमी काम से घर लौटा, थका हुआ था, काम पर मालिक नाराज हुआ था, क्रोध किया था, इसलिए खराब मूड लेकर घर में आया। घर पहुंचकर घर वाली पर चिल्लाने लगा, कहाँ हो, पानी लाओ, चाय लाओ, मैं बिल्कुल थका हुआ हूँ। पत्नी ने उत्तर दिया, थोड़ी देर रुको, अभी आई। पति ने फिर प्रश्न किया, क्या हुआ, ठीक भी हो क्या, कभी तो हंसते हुए मिला करो। पत्नी ने उत्तर दिया, मैं तो ठीक हूँ, तुम ही ठीक नहीं हो। अब पति क्रोध करने लगा, कुछ काम तो करना नहीं, लेटी लेटी भाषण दे रही हो, घर में आता हूँ तो यहाँ भी शांति नहीं, ये भी कोई जीवन है। मैं चला घर छोड़कर, संभालो अपना घर, यह कहकर पति आग बबूला होते हुए अंदर में क्रोध और मन को परेशान किए जंगल में चला गया। एक घना बड़ा सा पेड़ देखकर उसके नीचे बैठ गया। अंदर क्रोध में पत्नी को गालियां निकालने लगा, खून पसीना एक करके कमा कर लाओ, घर आओ तो घर में भी चैन नहीं। अंदर ही अंदर बोले जा रहा था कि एक कबूतर ने बीट कर दी। कबूतर पेड़ पर बैठा था, बीट पड़ते ही क्रोधी कबूतर को गालियां देने लगा, लगता है इस जंगल में भी मेरे दुश्मन पैदा हो गए हैं, मुझे यहाँ भी चैन से बैठने नहीं दिया, जंगल में भी शांति नहीं है, मैंने क्या बिगाड़ा था कबूतर का, जंगल में तो शांति थी, घर में भी शांति थी, पर इंसान के अंदर शांति नहीं थी। जैसे लकड़ी वही जलती है जिसमें आग छुपी हो, उस लकड़ी को थोड़ी आग लगाने की जरूरत है। कहने का भाव है, जिसके अंदर में शीतलता नहीं, उसके जीवन में शांति की कमी होगी। इसलिए महात्मा फरमाते हैं, हर आदमी को जीने के लिए शांति की आवश्यकता है। निरंकार ने धरती बनाई, सूर्य चांद तारे बनाए, परंतु खुशी नहीं हुई। फिर उसने इंसान को बनाया, इंसान को बनाकर निरंकार बहुत खुश हुआ। ये इंसान जो भी कार्य करता हूँ, ये भी वही कार्य करेगा, सभी जीवों से श्रेष्ठ होगा। जब इंसान को बनाया तो कहा, हे इंसान तू वर मांग, तू आज जो कुछ मांगेगा मैं दूंगा। इंसान लालची होता है, इंसान ने अपनी चादर बिछाकर कहा, दीजिए, इस चादर को भर दीजिए। विष्णु प्रभु ने लक्ष्मी को कहा, वो सामने थैला पड़ा है, वो मुझे पकड़ाओ। लक्ष्मी ने थैला पकड़ाया, विष्णु भगवान ने थैला खोलकर धन दौलत मान सम्मान पद प्रतिष्ठा महल सभी इंसान की चादर में डाल दिए, थैला खाली कर दिया, खाली थैला अपने चरणों में रख लिया। इंसान ने चादर को समेटा, सामान की गठरी बनाई और कंधे पर रखकर चला गया। विष्णु भगवान को नमस्कार भी नहीं की। लक्ष्मी जी ने प्रभु से कहा, हे प्रभु, आपने सभी कुछ इंसान को दिया, मनुष्य संसार में शांति ढूंढता रह जाएगा, परंतु मनुष्य को जब भी शांति प्राप्त करनी होगी उसे मेरे चरणों में आना होगा, मेरे चरणों में मनुष्य को शांति मिलेगी। अगर मनुष्य को शांति चाहिए तो निरंकार प्रभु के चरणों से जुड़ना होगा, प्रभु भक्ति में ही सुख शांति मिलेगी। भगवान श्री राम को 14 कलाओं से युक्त कहा गया और भगवान कृष्ण को 16 कला से संपन्न कहा गया, लेकिन जिस समय शिष्य गुरु के सम्मुख पहुंचता है वह गुरु से 16 कलाओं का आशीर्वाद लेकर अपने घर जाता है, हमारे जीवन में जो अपूर्णता है वह दूर हो जाए। जल की एक छोटी सी बूंद सागर में इसलिए जाती है क्योंकि वह अभी भी अपूर्ण है, वह पूर्ण होना चाहती है। नदी तब तक शोर मचाती है जब तक वह सागर से नहीं मिलती, क्योंकि वह भी अपूर्ण है। घड़ा तब तक बोलता है जब तक खाली है, कम भरा है, छलकता है, बोलता भी है,
लेकिन जैसे ही भर जाता है वह आवाज आनी बंद हो जाती है, क्योंकि वह समय के साथ साथ संपूर्णता की तरफ आ रहा है। जैसे जैसे आपके अंदर कलाएं बढ़ती चली आएंगी, आपकी खामोशी बढ़ेगी, आपकी चिंता घटेगी, आपका दिखावा मिटेगा, चलचलता मिटेगी, क्योंकि आप पूर्ण परमेश्वर निराकार की ओर बढ़ रहे हो। पूर्ण परमेश्वर की ओर बढ़ते बढ़ते संतुष्टि आती है, शांति आती है। शास्त्र ऐसा कहते हैं कि जब हम गुरु चरणों में जाते हैं तो अंतर मन विष्णु महेश अपने समस्त वरदान गुरु के अंतर मन में बरसाते हुए उस दिन गुरु के आशीर्वाद में अपने आशीर्वाद को जोड़ते हैं। हम सभी को इस संसार में प्यार, नम्रता, सहनशीलता वाला जीवन जीना चाहिए। अगर कोई हमसे बैर भी करता है तो हमें प्यार से उसे जीतना चाहिए। जैसे कि एक उदाहरण है, भक्त हरिदास को हरि नाम लिए बिना चैन ना पड़ता था। दिन रात हरि स्मरण करते उनकी अवस्था को देखकर शहर के काजी को बड़ा क्रोध आया। हरि शब्द से चिढ़ होने के कारण उसने चाहा कि हरिदास हरि नाम लेना छोड़ दे। हरिदास को सजा दिलाने के लिए उसने बादशाह के कान भर दिए। उसने कहा कि इस काफिर को ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि यह ऐसा नापाक नाम लेना छोड़ दे। बादशाह भी काजी की बातों में आ गया। बादशाह ने भक्त को अपने पास बुलाया और उनसे हरि नाम लेना छोड़ने को कहा। भक्त के मना करने पर काजी की सलाह मानकर उसने हरिदास को बेत मारते हुए नगर के बाजारों में घुमाते हुए तड़पा तड़पा कर मारने की सजा दी। सजा सुनकर भी भक्त के चेहरे पर कोई रोष का चिन्ह नजर नहीं आया। बेत मारने वाले जल्लादों ने भक्त हरिदास को बांध दिया और बेत मारते हुए उन्हें एक बाजार से दूसरे बाजार में घुमाने लगे। जल्लाद चीखते, हरि नाम बंद करो। हरिदास उत्तर देते, बेत और मारो, परंतु हरि नाम बोलते रहो। इसी बहाने ही सही, तुम्हारे मुख से हरि नाम सुनकर बड़ी प्रसन्नता होती है। बेतों से शरीर लहूलुहान हो गया। जल्लाद अब भी मारते जाते थे, परंतु हरिदास का नाम स्मरण अब भी जारी था। वे अब भी हरी हरी बोल रहे थे। बेतों की मार से हरिदास जी की चमड़ी उधड़ गई, परंतु निर्दयी जल्लादों ने मारना बंद नहीं किया। भक्त ने भी हरि नाम लेना बंद नहीं किया। अंत में हरिदास बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर गए। जल्लादों ने मरा समझकर उन्हें गंगा नदी में बहा दिया। जल्लाद तो भक्त को गंगा में डालकर चले गए, परंतु जिनका रक्षक भगवान हो उन्हें कौन मार सकता है। गंगा जी के शीतल जल स्पर्श से उन्हें चेतना प्राप्त हुई। कुछ देर बहते बहते एक पानी की लहर उन्हें निकट गांव के एक पास घाट पर गिरा गई। लोगों ने देखा, कुछ लोग भक्त को पहचानते थे। उन्होंने उनकी सेवा की और थोड़े समय बाद भक्त कुछ स्वस्थ हुए। लोगों ने भक्त को जख्मी हालत में उठाया था। उन्हें बादशाह पर बहुत क्रोध आया, जिसने कि एक संत की ऐसी हालत बनाई थी। लोगों को जोश आ गया, वे बादशाह और काजी के विरुद्ध भड़क गए। उन्होंने भक्त से कहा कि यदि आप आज्ञा दे तो उन्हें उनकी करतूत का मजा चखाएं। परंतु भक्त ने कहा कि उन दोनों का कोई दोष नहीं है, यह सब तो परमात्मा की इच्छा से हुआ है। उन्होंने मेरे विश्वास की परीक्षा ली होगी। वे दोनों तो परमात्मा के साधन मात्र बने हैं, मैं भी तो कुछ नहीं था। उन्हीं की कृपा शक्ति ने मुझे चेतना के अंतिम सांस तक नाम कीर्तन में दृढ़ रखा। इन दोनों का कोई अपराध हो तो परमात्मा क्षमा करे। संत की नम्रता से सभी लोग प्रभावित हुए। यहाँ तक कि बादशाह और काजी को जब यह सब पता लगा तो अपने किए पर बड़ी लज्जा आई और उन्होंने भक्त से जाकर क्षमा मांगी। यदि कोई हमारे साथ बुरा करे तो उसके साथ बुरा करना अर्थात बुराई का बदला बुराई से देना हमें स्वयं को बुरे आदमी के श्रेणी में ला खड़ा करता है। संत मत तो यही है कि हम बुराई को अच्छाई से जीते, क्रोध को हरि नाम से जीते और बैर को प्यार से जीते। जो सदा नम्रता का दामन थामे रहता है वह अवश्य ही विजयी होता है। वह शरीर पर नहीं हृदय पर विजय प्राप्त करता है। जिस मनुष्य में शांति है उसमें सहनशीलता, प्रेम,
नम्रता प्रभु भक्ति भी होती है, क्योंकि सद्गुरु की कृपा से शांति प्रेम नम्रता की प्राप्ति होती है। सतगुरु की कृपा से इंसान प्रेम और भक्ति से भर जाता है। धन अंकार जी।